वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्य शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4। एंड टुडे इन दिस 15th एपिसोड ऑफ दिस सीजन 4, लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन, डिटर्मिनेशन, करेज एंड एनकरेजमेंट, बिकॉज दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुजियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो चलिए दोस्तों, तेजी न करते हुए बढ़ाते कदम इस इंस्पिरेशनल राइड की तरफ। बट बिफोर वी बिगिन विद दिस एपिसोड, लेट मी रिमाइंड यू कि पिछले हफ्ते लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी एक रिडल की, पहेली की, और जिसका आंसर देने पे आप जीत सकते थे एक इनाम यानी कि एक फ्री रिचार्ज। अनफॉर्चुनेटली एक लिसनर ने आंसर दिया जो कि गलत है और किसी का आंसर नहीं आया, तो दिस इज द टाइम कि मैं आपको बताऊं वो रिडल क्या थी और उसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, आज की रिडल मैं पूछूंगी समय के साथ, मतलब आज एपिसोड के दौरान, पर अभी के लिए मैं आंसर बता देती हूँ उस पिछले हफ्ते की रिडल का। तो दोस्तों, जो पहेली थी वो थी, many have heard me but no one has seen me but I will speak only if anyone will speak to me, what am I? जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे सुना है पर देखा नहीं है। मैं तभी बोलूंगा जब लोग मुझसे बोलेंगे मैं क्या हूँ। Many have heard me but nobody has seen me. I will speak only if anyone will speak to me. Who am I? बहुत लोगों ने मेरे बारे में सुना है पर मुझे देखा नहीं है। मैं बोलूंगा तभी जब लोग मुझसे बोलेंगे, तो मैं क्या हूँ? दोस्तों, द राइट आंसर फॉर दिस रिडल इज एको। जी हाँ दोस्तों, जो एको होती है, गूंजती है आवाज, वो है सही आंसर इस रिडल का, क्योंकि इसे हम कभी देख नहीं सकते, सुनते जरूर हैं, और एको तभी होता है जब हम बोलेंगे, तो बिना बोले तो एको होगा नहीं। सो द राइट आंसर फॉर द रिडल इज एको, गूंजना। तो दोस्तों, आज की रिडल का आप इंतजार कीजिए, जल्दी मैं पूछने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4 विद आरजे दिव्या। लाइफ में आने वाली कई कंडीशन और सिचुएशन हमें तोड़ कर रख देती है, सुनी रास्ते में आपको अकेला छोड़कर चली जाती है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पांव पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। उसी रास्ते पर मैं मिलूंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैं हूँ अर्जे दिव्या और लेकर आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4। हर मंगलवार 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार शाम 4 से 5 बजे ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड, एंड टुडे इन दिस सेगमेंट वी आर लाइक ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट अ मॉरल स्टोरी। जी हाँ, ये जो कहानी होगी ये हमेशा की तरह एक कहानी होगी जो छोटी सी होगी पर जो उसका मॉरल होगा वो सीख काफी वजनदार होगी। तो दोस्तों, देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस कहानी की तरफ। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। एक बार एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक स्टूडेंट जो होता है वो दाखिला लेता है, मतलब वहाँ पे ज्वाइन करता है। तो कुछ दिन वो जाता है और एक दिन वो जो वहाँ का हेड होता है उनके पास जाता है और कहता है कि कल से मैं इस इंस्टीट्यूशन में नहीं आऊंगा, क्योंकि जहाँ भी देखो लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं, टीचर्स एक दूसरे की बुराइयां कर रही हैं, और जो लोग हैं वो एक दूसरे की फालतू में टांग खींच रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं सीखूं। तो ये सुन के वो जो हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो कहते ठीक है तुम मत आना कल से, पर उससे पहले मेरा एक काम जरूर कर दो। तो वो कहते हाँ जरूर, बताइए। तो वो जो हेड होता है
वो कहता है कि ये लो 2 चम्मच और इसमें पानी डालो और पूरे जो कैंपस है उसका एक राउंड लगा के आओ, पर एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो वो उसे अटपटा तो लगता है, पर क्योंकि हेड ने कहा है तो वो 2 चम्मच लेता है, उसमें पानी रखता है और पूरे कैंपस का एक चक्कर लगा के आता है। जब वो एक लगा के आता है तो वो जो हेड होते हैं वो कहते हैं चलो एक और लगा के आओ। तो वो एक और राउंड लगाने जाता है और जब वो पूरा राउंड लगा के वापिस आ जाता है तो वो कहता है कि ये लो सर, मैं आ गया और एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरी। तो यहाँ पे वो जो हेड होते हैं वो कहते हैं कि अभी तुम गए थे और तुम राउंड लगा के आए तो तुमने किसी को देखा गॉसिप करते हुए, किसी की बुराई करते हुए, लड़ते हुए, बहसते हुए या फिर किसी की टांग खींचते हुए। उस विद्यार्थी ने सोचा और सोचने के बाद कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा किसी को। तो दोस्तों यहाँ पे हेड ने कहा तुमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे चम्मच पे जो पानी है उस पे था, ताकि वो नीचे ना गिर जाए। तो दोस्तों हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हमारी जिंदगी में या किसी की भी जिंदगी में आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमें खींचने के लिए नीचे तैयार रहते हैं, जो बुराई करते हैं, जो आपस में झगड़ते हैं, गॉसिप करते हैं और फालतू की चीजें करते हैं। पर ये चीज हम पे निर्भर करती है कि हम उनकी बातों पे, उनकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं या फिर हम अपनी जो गोल है, अपना पैशन है उसकी तरफ बिल्कुल फोकस्ड हैं। तो दोस्तों द मोरल ऑफ द स्टोरी इज अपने जो गोल है, आपके एम है, उस पे बिल्कुल फोकस्ड रहिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि और लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आप अपने फोकस से, अपने जो गोल है उससे बिल्कुल भटक जाएंगे। तो दोस्तों इस खूबसूरत सी मोरल कहानी के बाद अब लेती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक, बट तुरंत आऊंगी इस ब्रेक के बिल्कुल उस पार। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4 विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। No. You're my baby, but you're driving me crazy.
बसने की नहीं चाहत थी, लेकिन किस्मत ने मुझे राहत दी। तू क्या जाने मैं दीवाना जो तेरा हो गया, क्यों ना माने मैं तेरे प्यार में ही खो गया। Will you marry me? I don't think so. Driving me crazy, boy. You're my baby, but you're driving. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. तो दोस्तों, अब इस सेकंड सेगमेंट में हमेशा की तरह हम बात करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल ऑडियो क्लिप की। जी हाँ, हमेशा की तरह सुनेंगे एक ऑडियो क्लिप जो होगी हिंदी या इंग्लिश में, पर उसमें कुछ ऐसा सिखाया जाएगा, बताया जाएगा जो हमें मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा, पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल बढ़ाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस आज की ऑडियो क्लिप की तरफ। वेल दोस्तों, जो आज की ऑडियो क्लिप है वो होने वाली है संदीप महेश्वरी जी की, एंड वी ऑल नो हिम, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो क्लिप्स बाय हिम, एंड इट इज अबाउट मोटिवेशन। तो चलिए फिर दोस्तों, देरी ना करते हुए बढ़ाते कदम इस हिंदी ऑडियो क्लिप की तरफ। स्टे ट्यून्ड। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है, तो उसके लिए सब आसान है। आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में, पूरी तरह से आपके अपने हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। कर्म तीन लेवल पे होते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब कि जिसको हम मेहनत बोलते हैं, वो कर्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। मतलब अगर उसकी इंपॉर्टेंस वाइज अगर आप मुझसे पूछो, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ अ स्केल ऑफ 100, मैं कहूंगा 1% है उसकी इंपॉर्टेंस। तो दूसरा कर्म का जो स्तर है वो है जो हम बोलते हैं, तीसरा है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहां है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। जो सही बोल नहीं सकता, वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहां हो रही है, और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पे। और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई, उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी जानी, उसको तो फल मिलना ही मिलना है। फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोजिंगली हाथ ऐसे करके बैठे रहो, भगवान मुझे फल दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो नहीं, तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं कभी भी। दूसरी तरफ से कुछ मत मांगो, लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते चले जाओ, तो उतना मिलेगा जितना हम सब में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जाते हो, तब तक अपने आप से झूठ बोलते हो। जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते, जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चाहूं तो कर सकता, चाहूं तो कर सकती। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे,
या बिजनेस नहीं, मान लो जॉब भी करने वाले हो लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के। मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते, कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अपने आप से बार बार बोलो why not, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, सबको बोला जा रहा है उनके घर पे भी और वहां पे क्लास में भी, पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि ध्यान कैसे लगाएं? पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ध्यान एक यूथ का या हमारा भी सबका कितनी जगह भटका हुआ है, तो उसको एक जगह कैसे समेटे, ये अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है। और जिसको ये आर्ट और साइंस समझ आ गई, कुछ भी आप जब चाहे जितनी देर के लिए चाहे जिस चीज पे चाहे उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते। जब भी जहां भी जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप लोग। तो सिचुएशन ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है, जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो, आपको हो गया लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, किराए का ना हो, अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूं और खेल रहा हूं, चाहे छोटा सा हो, एक बेडरूम का हो दो बेडरूम का हो लेकिन अपना घर हो। वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका वो सपना, उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि अगर आपका सपना है वर्ल्ड टूर का, तो इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो अपनी फैमिली के साथ में और आप घूम रहे हो। अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी है और आप मीटिंग ले रहे हो, आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा। आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे वो पावर जो सपने को सच कर सकती है, सिर्फ वो एक पावर, चाहे आप उसको भगवान बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे बिलीफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो अभी इस मोमेंट में आपको देख रही है, आपको देख रही है। तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका वो सपना सच होगा। जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा, मेरे से लिखवा करके रख लो, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा। अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो खुशी है ना, इसको कभी मरने मत देना, मेरे पास इस बात को पकड़ करके रखना। यही मैं दिल से चाहता हूं कि आप बस एंड तक, जब तक भी आप हो 150-200 साल तक, हंसते रहो, खुश रहो हमेशा, हर हाल में कुछ भी हो रहा है। क्या फर्क होता है? एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शन होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। देखो लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो खुद ले रहे हो। गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया, बस इससे बड़ी चीज और कोई लाइफ में हो नहीं सकती है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा हो, एक स्पार्क नजर आएगा, शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो, जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। इससे होगा क्या? अगर आप ये कर पाए तो अपने आप को शीशे में देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, एवर का मतलब सोचते हो, मतलब एक तो हमने बोलते हैं इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, मैं हूं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से, हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। जो भी काम करो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा,
इसलिए मत करो कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा, ना, काम ही करो खुश होकर, मतलब खुश रहो हमेशा और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब तक जो चीज नहीं मिली होती, जब तक सक्सेस की खेल शुरू नहीं होता ना, तब तक तो हमको लग रहा होता है कि यार ये भी हो जाए तो बहुत है, ये भी हो जाए तो बहुत है। एक बार वो खेल शुरू होता है, जब उसका खेल शुरू होता है ना, तो इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है, जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझ ही नहीं आता कहां कहां से कैसे कैसे आ रहा है। बस कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीजें दुनिया में जो नहीं की जा सकती। आप में, मुझ में, इन में, हम सब में क्या फर्क है। किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे साथ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है, और मेरे साथ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो मेरे अच्छे कर्मों की वजह। जिस काम के पीछे आपका कोई मोटिव है, कोई इंटेंशन है, कोई लालच है, वो कर्म है। और जहां पर आपका कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, और जो काम आप जानबूझ करके नहीं करते, वो कर्म नहीं है भाई, वो अकर्म है। कर्म मतलब कि वो कर्म है ही नहीं। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है, जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म है। हर वो चीज जो इंसान को समझ नहीं आती वो उसके लिए मिरेकल है। हर वो चीज जो साइंस के दायरे से बाहर है वो उसके लिए मिरेकल है। जबकि एक्चुअल में मिरेकल नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर अपने माइंड को आपको स्ट्रांग बनाना है तो इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, रियलिटी को एज इट इज देखना है, अपने चश्मों को हटा कर। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या होता है, परेशान रहते हैं, रोते हैं, करते हैं, ये है वो। पड़ोसी के यहां हो जाए तो यार जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे लगेगा कि जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो वो ट्रैक सही है गलत है? जिस दिन अपने पड़ोसी को दुखी देख करके आपके दिल में दर्द हो, किसी को भी दुख में देखा, किसी को भी दर्द में देखा, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर हो, आपके दिल में दर्द हो, और जब किसी को सुखी देखोगे, खुश देखोगे, बच्चों को खेलते हुए देखोगे, किसी को उड़ते हुए देखोगे आसमान, कहीं भी कुछ अच्छा होते हुए देखोगे, फूल को खिलते हुए देखोगे, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप वहां आराम से बैठे हुए होंगे, आप खुश होंगे। मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स है जो हो सकता है मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं, जैसा जो सोच रहा होता है वैसे ही वो बन रहा होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो और या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये करेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं। दो जगह है जहां पे आप अपने माइंड को लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि को हम दो जगह पे लगा सकते हैं। सारा खेल माइंड का है। सबसे पहले तो हाथ पैरों के कर्मों से ऊपर उठता है। हाथ पैरों से आप कुछ भी करते रहो, रियल लाइफ में उठा करके देख लो, वो मैटर नहीं करता। जो बोलते हो वो उससे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता। जो आप सोच रहे हो वैसा ही आप बोल रहे हो और वही आप कर रहे हो, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है, तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब वो चीज होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा वर्ड। जब आप लाइफ में कुछ कर जाओगे ना बड़ा, तो सब लोग एक एक करके आएंगे, कहेंगे ये पहले ही होता था, जो करना है वो कर लो, क्या सोचना है। दुनिया शुरू में थोड़ा अगेंस्ट जाती है, बाद में साथ साथ आ जाती है अगर आपकी नीयत साफ है तो।
तो दोस्तों थी ना ये एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेटिंग ऑडियो क्लिप बाय संदीप महेश्वरी। पर दोस्तों थी तो ये बेहद खूबसूरत ऑडियो क्लिप और मुझे तो बेहद अच्छी लगी और मुझे लगता है कि हम सभी को कभी न कभी ऐसी ऑडियो क्लिप जरूर सुननी चाहिए ताकि जो हमारी जिंदगी की मुश्किलें हैं या डिफिकल्टीज हैं उन्हें हम अच्छे से ओवरपावर कर सके, क्योंकि कभी न कभी हम सभी लो फील करते हैं। तो ऐसे लो मोमेंट्स को हम बिल्कुल भुला सकते हैं जब हम ऐसी मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं बढ़ाऊं कदम अगले सेगमेंट्स की तरफ, अभी टाइम आ गया कि मैं पूछूं रिडल। जी हां, एक ऐसी पहेली जिसका आंसर देके आप जीत सकते हैं फ्री रिचार्ज। और इस रिडल का आंसर आप दे सकते हैं नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सेगमेंट से पहले पहले, यानी कि इट वुड बी लवली इफ यू सेंड योर आंसर बाय मंडे। ट्यूजडे को ये शो आता है तो आप मंडे से पहले पहले अपना आंसर बिल्कुल भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फेसबुक के पेज पे पब्लिक में नहीं सेंड करें, पर्सनली भेजें, मेल कर सकते हैं, स्काइप पे भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए बढ़ाते कदम इस रिडल की तरफ। और जो रिडल है वो है अ थिंग हैज मैनी कीज। जी हाँ, अ थिंग हैज मैनी कीज बट डोंट इवन ओपन अ सिंगल डोर। जी हाँ, अ थिंग हैज मैनी कीज बट डोंट इवन ओपन अ सिंगल डोर। क्या है ये? तो दोस्तों एक चीज है जिसकी बहुत सी कीज है पर वो एक भी लॉक नहीं खोल सकता, तो क्या है? अ थिंग दैट हैज मैनी कीज बट डोंट इवन ओपन अ सिंगल डोर, व्हाट इज इट? तो दोस्तों आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर एंड इफ यू आंसर इट करेक्टली यू विल बी द विनर ऑफ अ फ्री रिचार्ज। दो विनर्स को मैं दूंगी फ्री रिचार्ज। अगर सही होगा आंसर तो जरूर बताऊंगी आपका नाम, अगर गलत होगा तो जाने दीजिए। तो चले फिर दोस्तों अभी लेते हैं, बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ। स्टे ट्यून्ड। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है, रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है, कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.godfwdtalks.in दैट इज गुड फूड टॉक्स .in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट है। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. उफ़ो पापा, कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा वक्त करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं,
उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Radio U, a flight of life. www.radioudaan.com तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ थॉट्स, क्यूट्स, लाइंस एंड स्विंग्स, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाती है, और चाहे हम चाहें या ना चाहें वो चीज हमारी आने वाले कल को, फ्यूचर को बिल्कुल इफेक्ट भी करती है। तो दोस्तों, क्यों ना अपने ख्यालों को, अपने थॉट्स को और भी खूबसूरत पॉजिटिव बनाया जाए, क्योंकि जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे हमारी जिंदगी पॉजिटिव खुद ब खुद हो जाएगी। तो दोस्तों, देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कुछ और खूबसूरत अनोखे थॉट्स की तरफ, ताकि हमारी जिंदगी में हम उन थॉट्स को अपना के अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सके, पॉजिटिव बना सके। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते कदम इन थॉट्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड। एंड जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात करेंगे। कोशिश करती हूँ मैं कि ये इंग्लिश थॉट्स हैं, इन्हें हिंदी में अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकूं फॉर योर ईज। तो चलिए फिर बढ़ाते कदम इन थॉट्स की तरफ। द फर्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज टूडे फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगिव योर सेल्फ एंड बिगिन अगेन। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप कुछ करना चाहते हैं तो फॉरगेट योर पास्ट, जो आपका बीता हुआ कल है उसे भूल जाइए। फॉरगिव योर सेल्फ, अगर आपको आपसे बहुत गिले शिकवे हैं अपने आप को माफ कर दीजिए। एंड बिगिन अगेन, और फिर से एक शुरुआत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आपकी टेंशन है वरीज है बहुत कम हो जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे। सो टूडे फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगिव योर सेल्फ एंड बिगिन अगेन। तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज नथिंग ट्रूली स्टॉप्स यू, नथिंग ट्रूली होल्ड्स यू बैक। सो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज आपको रोकती नहीं है, कोई भी चीज आपको पीछे नहीं खींचती। तो ये चीज अगर आप अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि कोई भी चीज आपको नहीं रोक रही है और कोई भी चीज आपको पीछे नहीं खींच रही है, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, नथिंग ट्रूली स्टॉप्स यू, नथिंग ट्रूली होल्ड्स यू बैक। तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज ईच मॉर्निंग व्हेन आई ओपन माय आईज आई से टू माय सेल्फ आई नॉट इवंस हैव द पावर टू मेक मी हैप्पी और अनहैप्पी टुडे, आई कैन चूज व्हिच इट शैल बी, यस्टरडे इज डेड, टुमारो हैजंट अराइव्ड येट, आई हैव जस्ट वन डे टुडे एंड आई एम गोइंग टू बी हैप्पी इन इट। ये दोस्तों थोड़ा लंबा है थॉट पर खूबसूरत है, तो लाइन वाइज लाइन एक बार हिंदी में बात कर लेते हैं। ईच मॉर्निंग व्हेन आई ओपन माय आईज आई से टू माय सेल्फ, हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ या खोलती हूँ तो मैं अपने आप से कहती हूँ, आई नॉट इवेंट्स, मैं हालात नहीं, नीड इवेंट्स नहीं, हैव द पावर टू मेक मी हैप्पी और अनहैप्पी टूडे। कहने का मतलब है कि मेरे पास है पावर कि मुझे खुश रहना है आज की नहीं, और ये चीज इवेंट्स के हाथ में नहीं है, सिचुएशंस के हाथ में नहीं है। आई कैन चूज विच इट शैल बी, मेरे हाथ में कि मैं खुश रहूंगा आज या दुखी। यस्टरडे इज डेड, जो कल है वो जा चुका है, टुमारो हैजंट अराइव्ड येट, जो कल आना है वो अभी तक आया नहीं है, आई हैव जस्ट वन डे और मेरे पास सिर्फ एक दिन है वो है टुडे एंड आई एम गोइंग टू बी हैप्पी इन इट, और मैं आज के दिन में बिल्कुल खुश रहूंगा। तो चले दोस्तों, आफ्टर दिस ब्यूटीफुल येट लॉन्ग थॉट, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट थॉट। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल गेट अवे, बट इफ यू आर नॉट रियली क्रेविंग फॉर समथिंग यू विल ऑलवेज गेट एक्सक्यूजेस। जी हाँ, सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको बिल्कुल मिलेंगे उसके लिए रास्ते, पर अगर आपके पास इतनी भूख नहीं है उस चीज के लिए
तो आपको एक्सक्यूजेज ही मिलेंगे, बहाने ही मिलेंगे। तो दोस्तों, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी समथिंग, वॉन्ट टू डू समथिंग, यू विल डेफिनेटली गेट वेज। बट इफ यू आर नॉट रियली क्रेविंग फॉर समथिंग, यू विल एंड अप विथ एक्सक्यूजेज। कि अगर आपको भूख नहीं है इतनी किसी चीज की, तो शायद आपको एक्सक्यूजेज ही मिलेंगे, फालतू के जो बहाने मारते हैं हम वो ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आफ्टर दिस थॉट, लेट अस मूव फर्दर टू द नेक्स्ट थॉट। डोंट गिव अप बिकॉज यू स्टार्टेड फॉर अ रीजन। जी हाँ दोस्तों, अ वेरी शॉर्ट येट इम्पॉर्टेंट थॉट। डोंट गिव अप बिकॉज यू स्टार्टेड फॉर अ रीजन। जी हाँ दोस्तों, जब भी जिंदगी में आपको लगे कि मुझे छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या कारण था जो आपने उस चीज की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, डोंट गिव अप, जस्ट रिमेम्बर अबाउट द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर ये चीज आपके ध्यान में रहेगी कि आपने क्यों शुरुआत की थी, तो शायद आप अपना जो ओपिनियन है, जो अपना व्यू है कि हाँ मैं गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ, वो बिल्कुल बदल देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने किसी चीज की शुरुआत क्यों की थी। द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, ऑल आई वॉन्ट इज हैप्पीनेस एंड आई नो आई कैन मेक इट। जी दोस्तों, अगर ये चीज आप अपने आप को बोलें कि जो भी मुझे चाहिए वो है खुशी, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो गानों से हो, चाहे वो खाने से हो, या किसी भी चीज से हो, चाहिए कि आपको खुशी, और वो चीज कैसे आएगी, अपने आप से। सो ऑल आई वॉन्ट इज हैप्पीनेस एंड आई कैन मेक इट, और वो खुशी मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपकी खुशी किसी चीज, किसी इंसान या किसी और जगह पे बिल्कुल निर्भर करती है, तो शायद आप गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आप खुद बना सकते हैं, खुद पैदा कर सकते हैं। सो हैप्पीनेस आपके हाथ में, खुशी आपके हाथ में। तो दोस्तों, दीज वर सम थॉट्स फॉर दिस सेगमेंट। अगर आपके पास भी है कुछ ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग, एनकरेजिंग थॉट्स, लाइंस या क्वोट्स, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो चलिए, अभी देरी न करते हुए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4 विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे पॉजिटिव। साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। हुआ है
इतना बस मुझे पता. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ टिप्स एंड लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइव टिप्स. दीज टिप्स विल बी इन इंग्लिश एंड दीज आर बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग सम बुक्स और articles and went through some tips also, and as a result of that I am going to discuss a few tips right here. To chale phir dosto, deri na karte hue baat karte hain tips ke bare mein, ye honge English mein. Stay tuned. To dosto, these tips are going to be revolving around anger. Yes, you heard it right. Anger. Anger is something that is within us, within each of us. So let us know how to control anger. The first tip is, you can do it. Yes, friends, you can do it. You might have heard this phrase many a times in other scenarios, but when it comes to anger, you yourself end up with, well, I couldn't control my anger. I had no control on my anger. This is something beyond my control. Well, if you do think like that, then you are wrong, because anger is something that is right in your control. It is not like a washroom that you have to go. This is something that is in your hand. So, dosto, this is something that you can control. You have to train your mind that yes, this is in my hand and I can control. And once you have trained your mind that it is in your hand, you will certainly able to control it. Try it yourself next time when you get very angry. Just say it to yourself that you can control it. Don't say that this is something beyond your control. So try it yourself, and I am sure it will help you out if you practice it in the right manner. The second tip for the evening is, don't worry. Yes, friends, don't worry. If once, twice or thrice you have
got really angry with somebody, it's okay. It happens with everyone. But make sure you are not making it a habit. And the good news is, you can control your anger. Whenever you feel angry, just think about your good moments. Yes, maybe it's sounding little dull and boring, but yes, you have to do it. For example, if your friend has just said something that is really, really, really offensive, don't get angry. Just gulp it by thinking about something good about that friend. This way, you can dodge your anger and escape from that heated moment. So, dosto, these are the tactics to, you know, to control your anger. So, next time when you are getting angry on somebody or something, just think about something good or something beautiful about that person or thing. And instantly, you might escape your anger. Anger is a habit. Yes, friends, you have to learn that anger is a habit. If you are getting angry again and again, that means you have developed a habit to get angry on everything. For example, if you are getting angry on everything, every talk, every discussion, or even a family talk, then it is in you. You have to wipe it away. At times it's okay. Rarely we all get angry because of some stupid actions of others. But if you are doing it quite often, that means the problem lies in you. You have to control your anger, and you can do it by dodging the situation. For example, if somebody is trying to make you angry by commenting on your best friend, you can change the topic by talking about something else. This way, neither you have to be angry nor you have to hear anything wrong about your friend. So these are the ways that you can avoid angry moments. Be sympathetic. Yes, friends, this is something that can help you at times. For example, if your boss has just shouted at you without any reason and you're getting very angry and you want to show your anger, but you want to control it, you can do it by thinking that maybe perhaps boss got some dose of, you know, arguments at home, or maybe just he had a quarrel with his wife, or maybe he is dealing with some crisis. So such things might help you in controlling your anger. For example, even if you are talking to your friend who is going through financial crisis, you can think about, like, if he has got really angry on you and you want to give him some good, then just avoid it by thinking that, oh, he is stuck in a crisis. That's it. Once you are sympathizing with the other person, your anger will take certainly a backseat. Try it yourself. These 5 tips will surely help you in controlling your anger. So, dosto, I myself try these things and these things do work, but you have to practice and you have to develop a habit to do such things whenever you are getting very angry. So, dosto, these were the random tips on anger. If you do have tips related to anything, do share with me and I will definitely make them a part of this inspirational ride. For now, I have to take a short break. I'll be right back with the remaining segments. Stay tuned. अपना धंधा ही है इसको सबसे
चेहराइस आखी दुनिया में ये एक सिंगल पीस सिंगल Radio Union, a flight of life. www.radioeden.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट और अब समय आ गया कि मैं आपसे इजाजत लूं। पर इससे पहले कि मैं कहूं आपको गुड बाय, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास है कोई फीडबैक्स, आइडियाज, सजेशंस या एडवाइस, डू शेयर विद मी। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com। स्काइप पे रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी RADIOUDAAN। साथ ही ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं रेडियो उड़ान के नाम से। अगर कुछ फीडबैक्स वहां देने हैं तो आप #inspirationalwings लिख के दे सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा पेज आप जानते ही हैं www.facebook.com/radioudaan। तो दोस्तों, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए mail@radioudaan.com और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है divyashirma.bs@gmail.com। तो दोस्तों, इफ यू हैव एनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज, टिप्स या फिर थॉट्स, कहानी या एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, डू शेयर विद मी, क्योंकि जिंदगी दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी है और हमें इस शो के थ्रू, दिस शो वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए अब मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि ट्यूजडे 9 to 10 PM एंड रिपीट वेंसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर आप रिडल का सही आंसर देते हैं तो आप पा सकते हैं एक फ्री रिचार्ज। तो दोस्तों, इंतजार रहेगा मुझे आपके फीडबैक्स, स्टफ एंड आंसर का। Happy listening, take care of yourselves and don't forget to share these inspirational stuff and everything we share on this show with your friends, colleagues and everybody around you. Take care, good luck. To main RJ Divya Sharma, direct from Nenanga Studio, Punjab, India, leti hu ijazat.
Radio U, a fighter line. www.radioudaan.com.